फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के वीबीए में कि आप अपनी मार्कशीट कैसे बनाएंगे, मतलब कि एक्सेल में आपको मार्कशीट बनाना बताएंगे वो वीबीए के थ्रू। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने एमएस एक्सेल चलते हैं। तो मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाता हूँ, सर्च पे जाते हैं, सर्च मेन्यू टाइप किया एक्सेल। ये एक्सेल में टाइप कर लिया, इसको ओपन कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया, ब्लैंक वर्कबुक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे मुझे बनाना है, मार्कशीट बनानी है और वीबीए के थ्रू, मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के उपयोग से बनाना है मुझे इसमें मार्कशीट। तो पहले मैं अपनी मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ डाल देते हैं, नेम ले लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, और ये आपका हो गया मार्क्स, मतलब नंबर आपका। ठीक, तो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं पास या फेल। ओके, पास ऑब्लिक फेल, मतलब कि जो पास होगा पास आएगा, जो फेल होगा फेल लिख के आएगा। ठीक, ये मेरा फॉर्मेट बन गया है। यहाँ इसको मर्ज करके हम यहाँ डालते हैं मार्कशीट डाल देते हैं, इसे कोई भी मार्कशीट डाल देते हैं, 12th मार्कशीट डाल देते हैं, 12th मार्कशीट। ओके, ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया इस तरह से। ठीक, थोड़ा जूम कर दें, समझ में आएगा आपको। ये मैंने जूम कर लिया हुआ है, इसको थोड़ा बढ़ा, सब्जेक्ट को बढ़ा देते हैं, नंबर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, पास फेल को बढ़ा देते हैं। तो ये मेरा फॉर्मेट बन तैयार हो गया है। तो पहले आप इस फाइल को सेव कर लेंगे। आप सेव पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे हैं आप, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज से आप अपना सेव का प्लेस सेव कर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे डेस्कटॉप पे सेव करना, बाहर में डेस्कटॉप सेव कर लिया हुआ है। मार्क्स में नाम डाल देते हैं, फाइल में डाल देते हैं मार्कशीट। ओके, मार्कशीट डाल देते हैं, फाइल सेव टाइप में जाएंगे। इसमें मुझे सेलेक्ट करना है एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक पे क्लिक करना है और सिंपल सेव कर देना है। ओके, ये मैंने सेव कर लिया हुआ है। अब इसकी कुछ प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। इसकी प्रोग्रामिंग होती है विजुअल बेसिक में होती है, और ये आपका विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है डेवलपर टैब में। आप डेवलपर टैब में जाके ओपन कर सकते हैं, डेवलपर टैब में जाएंगे, ये आपका विजुअल बेसिक दे रहा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या आप Alt प्लस F11 को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने Alt प्लस F11 प्रेस किया, ये मैंने विजुअल बेसिक पे आ गई। ओके, अब इसके बाद मुझे एक फॉर्म तैयार करना है। तो फॉर्म तैयार करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्म तैयार करने के लिए मुझे अपने ये इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये यूज फॉर्म लिखा है, यूज फॉर्म पे गए, इसको अपने से फॉर्म थोड़ा बड़ा कर लिए, जैसे चाहे बड़ा करना चाहें फॉर्म को बड़ा कर लेंगे हम, इसको थोड़ा साइड में कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म को मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल पे गए, सेव मार्कशीट पे गए। यहाँ से आप चाहे सेव कर सकते हैं, मतलब कि वी नेम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्कबुक में ये है, तो ये आपका फॉर्म है। ओके, फॉर्म को मैंने इंसर्ट था, यहाँ से कर सकते थे। अब मैं इसमें फॉर्म का फॉर्मेट बनाऊंगा, मतलब किस तरह मुझे फॉर्मेट चाहिए। तो आइए पहले फॉर्म का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्म को बना लेते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये लेबल ले ले, लेबल में डाल देंगे मार्कशीट, डाल देंगे जो भी डालना मुझे। लेबल मैंने लिया, यहाँ पर डाल देते हैं 12th मार्कशीट, इसको मैंने 12th कर दिया मार्कशीट। ओके, 12th की मार्कशीट हो गया है, इसको भी बड़ा कर लेंगे, इसको चाहे तो भी बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये आप गए फॉन्ट पे, या फॉन्ट भी यहाँ गए फॉन्ट, इसको बड़ा कर सकते हैं आप, जैसे जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में क्योंकि फॉन्ट ज़्यादा है इसलिए।
तो ये मैंने फ़ॉन्ट को यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, जितना फ़ॉन्ट चाहें बढ़ा सकते हैं, ये फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा मतलब बोल्ड हो जाएगा, या बोल्ड इटैलिक दोनों लगा लेंगे, ओके कर देंगे, थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, और बड़ा करना चाहे और बड़ा हो जाएगा, कुछ जैसे जितना बड़ा चाहें आप उतना बड़ा अपने फ़ॉन्ट को कर सकते हैं, जैसे कि 24 हो गया है, तो इस तरह फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट लगे देखने में, इसके देखने में अच्छा लगेगा और बाकी भी अच्छा लगेगा, मतलब किसको कर दिया 12th मार्च सेट। ओके, इसमें आप कलर चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट जाएंगे फॉन्ट कलर कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ये ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, या सिस्टम पैटर्न पे जाके आप जो कलर देना चाहते ये कलर दे दें, मैंने रेड कलर दे दिया। ओके, ये रेड कलर हो गया, अब मुझे नेम देना है लेबल से, तो यहाँ पर नेम दे देंगे, चाहे तो आप इसको कॉपी कर ले या तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ मैंने लेबल को मैंने सेलेक्ट किया था, ये मैंने इसको यहाँ से ड्रैग कर लिया। ओके, यहाँ डाल देते हैं नेम, नेम में ले लिया। ओके, यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल होल्ड रख के उसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे, ये कॉपी हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, लेबल का नाम डाल देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर कॉपी कर लेंगे इसको कंट्रोल से होल्ड करके, फिर डालने में नंबर डालने हैं, तो यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल दिए। ओके, अब फाइनल मुझे पास और फेल का करना है, तो इसको यहाँ मैंने किया ड्रैग, यहाँ मैंने डाल दिया पास ऑब्लिक फेल, मतलब जो पास होगा पास आएगा, जो फेल होगा फेल आएगा। ओके, इनका फॉन्ट बड़ा कर लेंगे, तो इनमें सबको सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट करके, यहाँ पे गए आपका फॉन्ट पे गए फॉन्ट, इसको मैंने इसको बड़ा कर लिया, 16 फॉन्ट लगा दिया, तो ये इस तरह का फॉन्ट हो गया। ओके, अब मुझे इसमें लगाना है ले वो टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एंड यहाँ से ड्रैग कर लिया, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गया है। ओके, ये मेरा कुछ इस तरह टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गया है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे टेक्स्ट बॉक्स का, या आप बाद में जो टाइप करें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, मैंने 16 कर दिया है, और इसको आप नीचे कॉपी कर सकते हैं, ये आपका नंबर वाला हो गया, इसमें नंबर कॉपी कर लेंगे, ये थोड़ा छोटा कर देंगे अपने हिसाब से इसको, ये छोटा हो गया, थोड़ा और नीचे कर लेंगे, जैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको और नीचे कर देंगे, ये आपका पास फेल वाला हो गया है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे, जैसे ये मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, ये इसका मैंने एडजस्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा नीचे आ गए, ये मैं एडजस्ट हो गया है। अब मुझे सब्जेक्ट के लिए, मुझे सब्जेक्ट में लिस्ट डालनी है, तो लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्बो बॉक्स का, तो ये आपका कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे आया है, 4th कॉलम पे है, 4th नंबर पे है, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया। ओके, तो ये आपका हो गया कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स हो गया आपका, ये कुछ इस तरह से कॉम्बो बॉक्स हो गया आपका। अब मुझे बटन बनानी है, मतलब ऐड का बटन बनानी है, कि हम मतलब कि ये बटन पे क्लिक करें तो ये आपका जो भी डाटा है आपको उसमें फिट हो जाए सीट में, तो ये मैंने बटन बना लिया है, बटन का नाम डाल देते हैं कैप्स, यहाँ पे गए, ये कैप्शन दे रहा है, कैप्शन पे जाएंगे आप, यहाँ बटन का नाम डाल देते हैं, जैसे ऐड डाल दिया। ओके, ऐड पे कर दिया, टाइप कर दिया, यहाँ से फॉन्ट मैंने बढ़ा लिया अपना, जैसे इतना फॉन्ट चाहिए आपको, बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट कर देते हैं 20 कर देते हैं लगभग, ये हो गया आपका ऐड वाला। ओके, ये आपके हो गया बटन में कलर करना चाहते हैं, कलर कलर हो जाएगा बटन में, आप यहाँ पर गए या यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, इसको कलर कर देंगे, ये कलर हो गया आपका। और मुझे ये जो फॉर्म का पेज बनाया है इसमें कलर चाहें तो आप इसमें भी कलर कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको हो गया बॉर्डर कलर हो गया, बैक कलर हो गया, बैक कलर मैंने वाइट किया हुआ है, इस पर गए और मतलब कि ब्लू कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो गया है, वैसे हम वही रखते हैं जो 10 मिनट पहले था, वो थोड़ा डार्क कर दिया है तो आपको थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है। ओके, ये इस तरह से है, अगर आप चाहे तो स्क्रॉल वाला कलर कर सकते हैं, नहीं तो पहन दीजिए, इसको वैसे हम छोड़ देते हैं, ये मेरा एक फॉर्म में बन के तैयार हो गया है। अब मुझे इसके अंदर करनी है कोडिंग, तो कोडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, कोडिंग करने के लिए आपका बटन है ऐड बटन है, तो ऐड बटन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो सीधा कोडिंग पे जंप कर जाएंगे। ओके,
इसके अकॉर्डिंग जंप करने के बाद आपको मुझे टैप करना है इसमें। आइए हम लोग से कोडिंग लिखते हैं। तो कोडिंग लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं कुछ कोडिंग लिखता हूँ, जैसे कि ये हो गया कोडिंग का, वो नाम डाल लेते हैं, जैसे कि एप्पल इक्वल टू सीट, ये है इसकी कोडिंग। ओके सीट, मतलब सीट वन से मुझे रेंज उठानी है, कितने तो उठानी है, सीट वन से रेंज उठानी है। ओके तो मैं सीट वन से रेंज कर लेता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं इस वीडियो को जल्दी से फॉरवर्ड करता हूँ और जल्दी टाइप करके आगे बढ़ाता हूँ प्रोसेस को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया हुआ है और इसको भी टाइप कर लेते हैं एंड इफ़, ये मेरा हो गया है, ये मेरा टाइप हो गया है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद फिर यूज फॉर्म में जाते हैं, ये मेरा हो गया है। अब मुझे ये लिस्ट बॉक्स जो अपना कॉम्बो बनाया था, इससे मुझे सब्जेक्ट ऐड करने, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ हुआ, इसको सब्जेक्ट ऐड करने थे। यहाँ पे गए हम कॉम्बो बॉक्स में, इससे मैंने सब्जेक्ट को ऐड किया हुआ है, तो सब्जेक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे नहीं जाना था, इसलिए मैं ये इसमें जाना था, जो कि आपको फॉर्म उसमें बनाना था, इसमें मुझे सब्जेक्ट को ऐड कराना है। तो सब्जेक्ट ऐड निकाल, जल्दी से ऐड कराए, सब्जेक्ट ऐड कराते हैं। तो जैसे ये देखिए, मैंने कुछ तैयार कर लिया हुआ है, इसमें हम चाहें तो थोड़ा और सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी है, इसमें हम बढ़ा लेते हैं, जैसे कि कोर्स लगा के जब सब्जेक्ट बढ़ जाता है, तो कोर्स लगा के मैंने कंप्यूटर टाइप कर लिया। ये हो गया आपका तैयार कुछ इस तरह से, इसको आप सेव कर लेंगे। और इसको मतलब कि प्रीव्यू करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, शॉर्टकट की होती है F5। तो F5 प्रेस करेंगे तो ये आपका जो मतलब कि प्रोग्रामिंग है ये रन करेगा। तो मैं चलिए ट्राई कर बताता हूँ कैसे होता है ये। तो F5 को मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, F5 को प्रेस कर लिया। ओके इसके बाद मैं जो नंबर डाल, नंबर सब्जेक्ट डाल देते हैं, नेम पहले नेम डालते हैं, नेम डाल देते हैं जैसे कि रोहन कुमार। ओके रोहन कुमार ही डाल दिया है। यहाँ से मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी सब्जेक्ट चाहिए मुझे, हिंदी ले लेते हैं। नंबर डाल दिया, जैसे कि मैं डाल दिया 45, ऐड किया, देखो ये आ गया आपका, ये पास हो गया। ओके और अगर 35 से 30 से कम होगा तो उसका आएगा इस तरह से, देखिए जैसे मैं डाल रहा है यहाँ पे, डाल दिया अनिल, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ इंग्लिश कर लिया, यहाँ पर डाला मैंने 30 डाल दिया। ओके तो ये देखिए आपका फेल आ गया, जो मतलब कि 35 से कम होगा वो फेल दिखाएगा और जो 35 से ऊपर वो पास दिखाएगा। इसमें आपका नाम वगैरह सब आने लगा इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं VBA के थ्रू। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।